हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमिता वर्ल्ड। तो आज की ब्लॉग हम बनाने वाले हैं लक्ष्मी पूजा के ऊपर, क्योंकि दुर्गा पूजा अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है। तो आज घर में लक्ष्मी पूजा है, हम बंगाली हैं तो आज हमारे लिए लक्ष्मी पूजा बहुत मायने रखता है। तो आज मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ बंगाली में लक्ष्मी पूजा कैसे मनाया जाता है, हम क्या क्या करते हैं लक्ष्मी पूजा में। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, और भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में। तो लक्ष्मी पूजा के दिन बहुत सारा काम रहता है, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही उपवास करे के सारे लड्डू, संदेश और जो हम लोग का जो खोई का उपरा, खील का जो उपरा बनाया है उसको बना के मैंने पहले से ही रेडी कर लिया है। तो आज है लक्ष्मी पूजा और मैंने सुबह सुबह उठ के ही सारे फूल तोड़ लिए हैं, क्योंकि आज सारे फूल चोरी हो जाते हैं, इसीलिए सुबह उठ के मैंने पहले ही फूल तोड़ लिए हैं। सुबह सुबह मैंने सोचा कि खाना बना लूँ दोपहर का, क्योंकि शाम को पूजा है तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। पहले मेरे सासू माँ के लिए मुझे वेज बनाना है, फिर मुझे नॉनवेज भोजन बनाना है, इसलिए मैंने पहले ही खाना बनाना शुरू कर दिया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मेरा नहाना भी हो चुका है, और मैं अभी कर रही हूँ अल्पना, जो हमारे लक्ष्मी पूजा का मेन फैक्टर है। आज के दिन हमारे यहाँ केले के पेड़ से घर की बहू बनाई जाती है, क्योंकि घर की बहू को लक्ष्मी माना जाता है। तो लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी के साथ इस केले के पेड़ की भी पूजा होती है। तो देखिए, हमारी केले की पेड़ की जो बहू है वो रेडी है, वो मेरे हस्बैंड ने बना के रेडी कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। हमारा बहू, घर की बहू। अभी हम इसको सुखाने के लिए थोड़ा रख देंगे, जब शाम होगी तो इसे हम घर पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ आ गई हूँ। देखिए, मैं भगवान की प्रसाद रेडी कर रही हूँ। तो अभी अभी मैंने बनाया है चावल का खीर, जो बना के रेडी है। देखिए चावल का खीर, अभी साथ में मैं कर रही हूँ मैदा थोड़ा लगा रही हूँ, और बनेगा सूजी का हलवा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। देखिए, यहाँ नीचे मैंने जहाँ पूजा होने वाली है यहाँ मैंने पूरी अल्पना कर दी है। कैसा बना है मेरा अल्पना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शाम होने वाली है और मुझे बहू को अंदर घर पे लाना है, तो अभी मैं बहू की आरती करूंगी और बहू को घर पे लेके आऊंगी। उसका सत्कार हो रहा है, उसको साड़ी पहना के अभी मैं इसको घर पे लेके जाऊंगी। अब आया है बड़ा ही मुश्किल पार्ट, जो इस केले के पेड़ को अभी जो साड़ी पहनाना है, ये है सबसे बड़ी मुश्किल। तो चलिए देखते हैं कि मैं आखिर में कितने टाइम लगता है मुझे ये साड़ी पहनाने के लिए। तो आप देखते रहिए। बाजे फाइनली, इतना जद्दोजहद के बाद मैंने फाइनली साड़ी पहना। छोटा बच्चा लग रहा है, तुम्हारा बीबी है, छोटा बच्चा है। तो मैं अभी इस बहू को घर पे लेके जा रही हूँ, और इसको जो लक्ष्मी देवी के साथ ही इसको प्रतिष्ठित करूँगी और इसकी भी पूजा होगी। तो चलिए देखते हैं आगे। आज के दिन माँ लक्ष्मी आप सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, और आप सब के घर पे धन धन्य की पूर्णता हो, यही मेरी आशा है। तो शाम हो चुकी है और मैंने जो मैदा लगाया था उसकी मैं पूरी बना रही हूँ। अभी मेरा सूजी का हलवा और पूरी साड़ी तैयार है, आप देखिए मेरा ये कंप्लीट हो चुका है टास्क। अब आगे बढ़ते हैं फल और जो मैंने
लड्डू बनाए हैं उनको प्रसाद में चढ़ाने की बनाने की बारी है। लक्ष्मी पूजा के दिन बहुत सारे छोटे छोटे काम रहते हैं, भगवान की प्रसाद में बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारी अलग अलग चीज़ बनती है और बाहर से कोई मिठाई यहाँ पे हम नहीं रखते हैं, सब हम घर पे बनाए हुए चीज़ ही रखते हैं, फल और घर पे बनाई मिठाई ही यूज़ करते हैं। आज वैसे भी कहा जा रहा है कि रात के 1 बजे चंद्रग्रहण लगने वाला है, इसीलिए थोड़ा प्रसाद थोड़ा कम ही बनाया है, नहीं तो वो रात में नष्ट हो जाएगा, वो खाने के लायक नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े ही प्रसाद रखे हैं आज। इस लक्ष्मी पूजा को हम बोलते हैं कोजागुरी लक्ष्मी पूजा, इसे कोजागुरी इसीलिए कहा जाता है, इसका मतलब है जो रात में सचेतन रहता है। माना जाता है कि लक्ष्मी देवी रात में आके देखती है, अगर कोई सचेतन है घर में तो उनको आशीर्वाद देती है और उनको धन धान्य का पुण्य रहने का आशीर्वाद देती है। अभी बज रहे हैं 6:30 और देखिए मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मेरी तैयारियाँ भी सारी ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ पंडित जी का इंतज़ार है। तो चलिए देखते हैं पंडित जी कितने बजे आते हैं और पूजा कब तक चलती है, इसके बाद क्या होता है, तो स्टे ट्यून्ड। तो देखिए पंडित जी आ चुके हैं और हमारी पूजा भी शुरू हो गई है। मेरे साथ मेरे बेटे ने भी उपवास रखा है, उसने भी कहा है कि माँ मैं तुम्हारे साथ आज पूजा की अंजलि दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आज के दिन माँ के सामने हम जो दिया प्रज्वलित करते हैं उससे सारी रात हम जला के रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है माँ आके आशीर्वाद देती है, धन की प्राप्ति हो, घर में सुख शांति बनी रहे। तो हमारी पूजा समाप्त हुई, पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं। आज का दिन ऐसा दिन है कि सबके घर में लक्ष्मी पूजा मनाई जाती है। तो अभी मैं जो है लक्ष्मी जी की 40 पढ़ रही हूँ, इसके बिना लक्ष्मी पूजा अधूरी है। मेरी पूजा समाप्त हुई, देखिए मेरा जो 40 है वो ख़त्म हो चुका है और मेरी जो आज की पूजा है पूरी सफल हुई। हम इससे आज उपवास तोड़ेंगे, तो हम लोग उपवास तोड़ रहे हैं। पूजा खत्म हो चुकी है, अब है प्रसाद बांटने की बारी। तो मैं प्रसाद बांट रही हूँ आज सबके घर में, थोड़ी थोड़ी से प्रसाद दूंगी, मेरे जो स्टाफ है उनको प्रसाद दूंगी और जो जिनके कुछ मेंबर्स हैं उन्हें भी प्रसाद दूंगी। देखिए आसपास के पड़ोसी और मेरे जेठ जी के घर से प्रसाद आ चुका है, देखिए कितने सारे प्रसाद हैं। मेरे प्रसाद लगभग ख़त्म ही हो गए हैं, थोड़ा और बांटने से ख़त्म हो ही जाएगा। अभी बज रहे हैं 10:00 और अभी मेरे खाने की बारी है। देखिए साथ में है मछली और मछली की जो लौकी से मैंने सब्जी बनाई है। हमारे यहाँ प्रथा है कि आज के दिन घर की बहुएं मछली से चावल खाती है, तो यही प्रथा मैं आगे रखूँगी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 10:30 और हमारा खाना भी हो चुका है, हम दोनों बहुत टायर्ड है, सारा दिन उपवास था, सारा दिन काम करते करते पैर भी दुखने लगे हैं। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल में वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।